नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नादर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी की टेंशन बढ़ती दिख रही है। जी हां, पहले कांग्रेस ने किसान नेता और पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को उनके सामने मैदान में उतार दिया। अब निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा निर्दलीय चुनावी मैदान में ताले ठोकने की बात कर रहे हैं। इसे लेकर जोशी के साथ साथ पार्टी की चिंता भी बढ़ गई है। वह पार्टी भी चिंता के घेरे में है। निर्दलीय विधायक आक्या ने जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में क्षेत्र के मुद्दे उठाने के बाद मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान अपने मन की बात कह दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी, उनकी भावनाओं के अनुरूप वे आगे का कदम उठाएंगे। यदि कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे तो उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए शत प्रतिशत चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक आक्या और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद जोशी के बीच वर्ष 2013 से ही राजनीतिक अदावत चल रही है। वर्ष 2013 में जोशी चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार थे, लेकिन अचानक पार्टी द्वारा आक्या को टिकट दे दिया गया। उसके बाद से ही दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई और समय के साथ दोनों के बीच खाई और भी चौड़ी होती गई। इसके अलावा पूर्व मंत्री अंजन स्थानिया उम्मीदवार भी थे और इसका कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में पार्टी द्वारा बाहर के लोगों को मैदान में उतारा गया था, जिससे भाजपा को फायदा मिल रहा था। वास्तव में जिस प्रकार का परिवहन विभाग में लूट खसूट हो रही है, जिस प्रकार हाईवे पे गाड़ियों को लगाकर एक्सीडेंट हो रहे हैं और उन गाड़ियों के नाम पे मार्च महीने में वसूली के नाम पर जिस प्रकार का पैसा वसूल कर रहे हैं, मैंने इस बात को विधानसभा में भी उठाया, मैंने सरकार को भी लेटर लिखा है और आज जिला परिषद में बाहर निकली है कि परिवहन विभाग में जिस प्रकार इस प्रकार की लूट खसूट हो, किसी भी चौराहे पे, किसी भी टोल नाके पे, गगरा टोल नाका हो, भले ही निम्बाड़ा टोल नाका हो या चित्तौड़गढ़ का पुराना टोल टैक्स जो बाईपास पे था वहाँ हो, वहाँ दो दो तीन तीन गाड़ियों को लगा कर वहाँ जिस प्रकार के गार्ड लूट खसोट करते हैं तो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उसमें सरकार के कोई नुमाइंदे ऐसे हो जो सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार के परिवहन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, उनके गार्ड के खिलाफ कार्रवाई हो, इन्हें इस प्रकार की लूट खसोट नहीं। सर, आने वाले दिनों में चुनाव अध्यक्षता लगने वाली है, क्या भाजपा में अभी क्या हड़तलें हैं ऐसी? हम निर्दलीय हैं और आगे भी जो सब मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं उनको बैठ के हम बात करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, किसको समर्थन देना है, उसके बारे में हम बैठ के चर्चा करेंगे। क्या ये भी संभावना है कि इस बार निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं? अगर कार्यकर्ता कहेंगे ना, कार्यकर्ता नहीं मानेंगे, चुनाव लड़ना पड़ेगा तो 100% चुनाव लड़ूंगा, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। सिचुएशन देख के हम चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, इस प्रकार की बात होगी तो।